सारियां नूं सत श्री अकाल। जिमें कि तुहानूं पता है, अज दा दिन साडे लई बहुत स्पैशल है क्योंकि अज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है 26 जनवरी 2023 नूं। अज दी इस वीडियो दे विच असी गणतंत्र दिवस नाल जुड़े हुए उह सारे ही प्रश्न पूरे कंप्लीट करांगे जिहड़े कि गौरमेंट एग्जाम दे विच पुछे जांदे आ। सारे MCQ जो गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट आ, वो सिलेक्टेड जे MCQ मैं तुहाडे लई अज दी इस वीडियो दे विच लैके आई हाँ। सो जेकर तुसी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लैवल तो लैके सेंटर लैवल तक तुसी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अज की यह वीडियो तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सारे ही MCQ गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ने। करंट अफेयर भी बन सकती है तुहाडे लई, तो इस दे नाल ही मैं तुहानू GK दे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवावांगी जेडे कि गणतंत्र दिवस के नाल संबंधित आ। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। 26 जनवरी 2023 नू भारत ने अपना 9वां गणतंत्र दिवस मनाया। उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर तो तुहानू सब नू पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 74वां। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 2023 नू भारत ने अपना। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस मनाने लई हेठां दित्तेयां विच्चों केड़ा कारण सही है? ठीक है, इन्हां दे विच्चों केड़े कारण करके गणतंत्र दिवस मनाया जांदा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कमेंट करते हैं कि सानू अपनी ऑप्शन सोचने का समा दिता जाए, तो मैं तुहानू 3 सैकेंड का समा देवांगी। देखो, इस दिन तुहानू पता है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जांदा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 नूं संविधान लागू होया सी, इस करके गणतंत्र दिवस मनाया जाता, जिसका मतलब आ कि हुण असी संविधान के अधीन चल रहे हैं। साडे राष्ट्रपति साडी मर्जी नाल चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, कोई ये नहीं कि यह आंदा वा जिहड़ा राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री दा यह वंशवादी आ, ठीक है, कोई नहीं गा, यह साडे द्वारा ही चुने जाते हैं, सहमति नाल बनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने लई हेठां दित्तियां विच्चों कारण कि इस दिन संविधान लागू होया सी, जिसका मतलब सी कि हुण असी संविधान के अधीन हाँ। जो संविधान के विच लिखिया गया है, मतलब कि तुहानूं पता है जदों संविधान नहीं बनिया सी तां किन्नी तबाही मची हुई सी भारत की धरती ते। अगला प्रश्न, इस तों इलावा जिहड़े स्टूडेंट्स पूरी डिटेल दे विच जानना चाहुंदे ने कि 26 नवंबर 1949 दे विच संविधान बन के तैयार हो गया सी, फिर 2 महीने वेट क्यों की गई, क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी नूं ही रख्या गया, क्यों ये सारा कुछ, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जिन्ह के माइंड दे विच क्यों आ रहा। मैं गणतंत्र दिवस ते पूरी वीडियो बनाई है, डिटेल दे विच बनाई है, ते तुसी उसनू भी देख सकते हो, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो तुहाडे लई। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस की मुख्य मेहमान कौन है? हाँ जी, गणतंत्र दिवस के मुख मेहमान कौन आ 26 जनवरी 2023 ते? जिमें कि तुहानू पता है हरेक साल भारत जदों गणतंत्र दिवस मनाउंदा कोई ना कोई साढ़े चीफ गैसट रहिंदे आ, ठीक है, तो इस बार 2023 दे विच साढ़े चीफ गैसट रहे सी मिस्र दे राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न असी करते हैं जी, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम की है? हाँ जी, इस बार जो 2023 दे विच गणतंत्र दिवस मनाया गया इसकी थीम आ पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, यानी कि आम लोगों की शमूलीयत। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न असी करते हैं जी, गणतंत्र दिवस से भारत का झंडा कौन लहराता है? हाँ जी, गणतंत्र दिवस से भारत का झंडा लहराया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस से झंडा लहराया जाता है। इस तों इलावा जेकर असी गल करिए प्रधानमंत्री की, 15 अगस्त नूं स्वतंत्रता दिवस से प्रधानमंत्री झंडा लहराउंदा है, गणतंत्र दिवस से राष्ट्रपति झंडा लहराउंदा है, तो 26 जनवरी 2023 नूं गणतंत्र दिवस से भारत का झंडा किन्ना ने लहराया? तुहानू ये आ सकदा तां राइट आंसर होवेगा तुहाडा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है जी। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस से भारत के वख-वख राज्यों विच कौन झंडा लहराउंदा है? देखो,
गणतंत्र दिवस से भारत के जिहड़े वख-वख राज आ राजां दे विच झंडा लहराउंदा वा राजपाल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पर सुतंत्र दिवस से जेकर पूछ लिया जाए तो मुख्यमंत्री लहराउंदा है। ठीक है, गणतंत्र सुतंत्र दिवस से जाने के 15 अगस्त नूं भारत के वख-वख राज्यां दे विच झंडा मुख्यमंत्री दे वल्लों लहराया जाता, 26 जनवरी नूं राजपालां दे वल्लों। ते हुण एट प्रेजेंट पंजाब दे राजपाल कौन ने? बनवारी पुरोहित। अगला प्रश्न, पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2023 की शुरुआत तो पहला राष्ट्रपति नूं दित्ती गई 21 तोपां दी सलामी ब्रिटिश 25 पाउंडर तोपखाने की बजाए किस तोप द्वारा दित्ती गई? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग मैं तुहानूं समझा दिनी हाँ। देखो आप जदों परेड की शुरुआत होंदी है ना, गणतंत्र दिवस से परेड होंदी आ, उसकी जदों शुरुआत होनी होंदी है तो उस तो पहला 21 तोपां की सलामी दित्ती जाती है राष्ट्रपति नूं। ठीक है, तो राष्ट्रपति नूं जो 21 तोपां की सलामी दित्ती जाती है वह हुण तक जदों तो लैके हुण तक गणतंत्र दिवस मनाया गया, मतलब कि 73 तक आप कह सकते हैं 73वें गणतंत्र दिवस तक ब्रिटिश तोपां द्वारा वह सलामी दित्ती जाती सी। ठीक है, पर हुण इस बार ये पहली बार होया 2023 दे विच कि जिहड़ी हुण सलामी दित्ती गई आ 21 तोपां दी सलामी वह दित्ती है 105 mm भारतीय फील्ड गन ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं। देखो आप गल करिए जेकर इंडियन फील्ड गन दी। ठीक है, इंडियन फील्ड गन तुसी इन्ना ही याद रख लेना कि जिहड़ी इस बार सलामी दित्ती गई है भारतीय इंडियन फील्ड गन दे वल्लों दित्ती गई है। ठीक है जी, इस गल का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सी। गणतंत्र दिवस परेड 2023 पहली बार किस सुरक्षा बल की महिला ने भाग लिया? हाँ जी, गणतंत्र दिवस 2023 पहली बार BSF दी महिला ने भाग लिया, जाने के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2023 भारतीय हवाई सेना द्वारा पहली बार किस विशेष बल नूं शामिल किया गया? हाँ जी, गरुड़ नूं शामिल किया गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय जल सेना के किहड़े जहाज़ ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 अपनी आखिरी उड़ान भरी है? हाँ जी, भारतीय जल सेना के किहड़े जहाज़ ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 अपनी आखिरी उड़ान भरी आ? तो यह भरी आ IL-38 डकोटा जहाज़ ने, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2023 पहली बार VVIP लोगों की थां करतब मार्ग ते कौन प्रमुखता नाल विराजमान हुंदा है? हाँ जी, जिमें कि तुहानू पता है गणतंत्र दिवस की जिहड़ी परेड आ वह राजपथ ते हुंदी आ। ठीक है, राजपथ ते कह सकते हैं आपां, जां तुसीं इह याद रख लेना कि राजपथ ते पहली परेड होई सी ते हुण उह राजपथ दा नाम बदल के करतब पर्ख रख दिता गया, पथ जे करतब पथ मार्ग भी बोल दिंदे आ सी, करतब मार्ग रख दिता गया। ठीक है, हुण करतब मार्ग ते जिथे पहला आप कह सकते हैं राजपथ ते VVIP लोग बहिंदे रहे आ बैठदे सी, ते हुण उत्थे पहली बार होया इह कि करतब पथ ते बिठाए गए हर वर्ग दे आम लोग, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, सारे वर्गों के आम लोगों नूं बिठाया गया इत्थे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में संविधान के लागू होने तो पहला राज किस एक्ट अधीन चलाया जा रहा सी? हाँ जी, जिमें कि तुहानू पता संविधान तो लागू होया सी 26 जनवरी 1950 नूं, जिसका मतलब सी कि हुण असी संविधान के अधीन। ठीक है, पर उस तो पहला भी तो किसी तरह राज सी ना, क्योंकि पहला अंग्रेजों का राज सी, जिमें ही भारत आजाद होया संविधान की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो उस तो पहला जिहड़ा वो चल रहा सी शासन संविधान लागू होने तो पहला किसदा सी? भारत सरकार एक्ट 1935 का शासन चल रहा सी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जिहड़े स्टूडेंट इस दे बारे डिटेल दे विच जानना चाहुंदे आ, जो मैं 26 जनवरी की वीडियो बनाई आ उसनू जरूर ध्यान नाल सुनो, उस दे विच सारी दी सारी संविधान की हिस्टरी लिखी आ कि संविधान नू कित्थों तों कित्थे तक सोचिया गया। ठीक है, किवें इस दे चेयरमैन कौन बने, किवें सोचिया गया, किहड़ा काम किन्ना नू दित्ता गया, किन्ना ने विदेशी संविधान इकट्ठा किया, यह सारा उस वीडियो दे विच पूरी डिटेल दे विच पिया।
अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की बजाय किस दिन तो गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया? हाँ जी, केंद्र सरकार जिमें कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ, तुहानू पता केंद्र सरकार है, ठीक है, उन्होंने 24 जनवरी की बजाय किस दिन तो गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया? तो 24 जनवरी तो जो गणतंत्र दिवस हुण तक मनाया आ रहा सी, तां मोदी की सरकार ने 23 जनवरी तो मनाउण दा ऐलान कर दिता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्यों किया हूँ यह फैसला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन गणतंत्र दिवस के शामिल करन दे लई लिया गया। हुण नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कदों होया सी ये भी तुहानू पता होना चाहिए, 23 जनवरी 1897 होया सी, ते इन्हां दे जन्मदिन गणतंत्र दिवस दे विच शामिल करन दे लई ये घोषणा की गई है कि 23 जनवरी तो हुण गणतंत्र दिवस मनाना शुरू होवेगा। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2023 कित्थे आयोजित की गई? हाँ जी, गणतंत्र दिवस परेड 2023 है जिहड़ी इस कित्थे की गई आयोजित ये की गई है जी, पहला तुहानू मैं दस्सिया राजपथ सी नाम, ठीक है, हुण बदल के करतब पथ कर दिता गया जां मार्ग करतब मार्ग कर दिता गया, तो यह राइट आंसर है। सॉरी, इत्थे मैं बाय मिसटेक ऑप्शनस ऐड करना भुल गई, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का गणतंत्र कदों लागू किया गया? हाँ जी, भारत का गणतंत्र लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान नूं कदों अपनाया गया? हाँ जी, संविधान हुण लागू तो होया सी 26 जनवरी 1950, पर अपनाया कदों गया सी 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया सी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान बनाने विच कितना समा लग्या? हाँ जी, भारत का संविधान बनाने दे लई देखो 1946 तो शुरू होया, 26 नवंबर 1949 बन के तैयार होया, तो संविधान नू 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे सी, लगभग 3 साल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान विच गणतंत्र प्रणाली किहड़े देश तो लई गई है? हाँ जी, भारतीय संविधान दे विच जिहड़ी आपां गणतंत्र प्रणाली लई आ इह किहड़े देश तो लई आ, तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस तो लई आ, फ्रांस की कैपिटल आ पैरिस, ठीक है, फ्रांस तो लई आ सी गणतंत्र प्रणाली। अगला प्रश्न, पहला गणतंत्र दिवस कदों मनाया गया? हाँ जी, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 मनाया गया। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है, ये तुसी याद रखना। अगला प्रश्न, पहले गणतंत्र दिवस का मुख मेहमान कौन सी? जिमें 2023 के मुख मेहमान रहे हैं मिश्र दे राष्ट्रपति, उसी तरह पहले गणतंत्र दिवस के मुख मेहमान से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकारनो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जेकर तुहानू 2021-22 का पूछ लिया जाए जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार होया सी 2021-22 दे विच COVID-19 करके कि साढ़े देश दे विच गणतंत्र दिवस ते कोई भी मुख मेहमान नहीं सी, ठीक है। अगला प्रश्न, राजपथ ते पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड किस साल हुई सी? हाँ जी, जिवें तुहानू पता राजमार्ग राजपथ, ठीक है, इस ते पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई सी 1955। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। राजपथ का हुण नाम बदल के करतब पथ कर दिता गया। अगला प्रश्न, भारत में गणतंत्र दिवस समेत किन्नियां राष्ट्रीय छुट्टियां घोषित हैं? हाँ जी, गणतंत्र दिवस समेत जे बिना पूछ लेंदे फिर तो असी दो कहना सी, ठीक है, हुण गणतंत्र दिवस समेत कहा, तो इस गल्लां दा ध्यान रखिया करो, निक्की निक्की गल दा बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग हुंदा इन्हां दा, तो गणतंत्र दिवस समेत किन्नियां राष्ट्रीय छुट्टियां घोषित हैं? 3, एक गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस, ते तीसरा गांधी जयंती, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कदों मनाया जाता है? हाँ जी, भारत दे विच हरेक साल राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई नूं मनाया जाता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 22 जुलाई। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 संविधान दे विच राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया सी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है कि 22 जुलाई नूं राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय झंडे नूं कदों अपनाया सी? हाँ जी, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय झंडे 22 जुलाई 1947 अपनाया सी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय झंडे को कदों अपनाया सी? हाँ जी रिपीट हो गया है, एज अ टेस्ट तुसी कमेंट बॉक्स के विच इसका आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत को कदों अपनाया गया सी? हाँ जी राष्ट्रीय गीत की गल हो रही है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 अपनाया गया सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान दे आपां गल करिए राष्ट्रीय गीत नूं भी 24 जनवरी 1950 अपनाया गया, राष्ट्रीय गान नूं भी 24 जनवरी 1950 ही अपनाया गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न, अच्छा जेकर तुहानूं साडा राष्ट्रीय गीत पूछ लिया जाए तो साडा राष्ट्रीय गीत केड़ा वा? बंदे मातरम। राष्ट्रीय गान केड़ा वा? जन गण मन। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किस आजादी घुलाटीए दे जन्मदिन नूं राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाता है? हाँ जी राष्ट्रीय छुट्टी महात्मा गांधी दे जन्मदिन नूं घोषित किया जाता 2 अक्तूबर नूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान बनाने लई किन्नियां कमेटियां बनाईयां गईयां? हाँ जी संविधान बनाने दे लई कमेटियां बनिया सी टोटल 22। सब तो महत्वपूर्ण कमेटी सी ड्राफ्ट कमेटी जिस दे प्रधान सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान बनाने लई बनाई गई 22 कमेटियां विचों केड़ी कमेटी मुख सी? ड्राफ्ट कमेटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों खरड़ा कमेटी का चेयरमैन कौन सी? हाँ जी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओ दिन जाने के 26 नवंबर नूं जदों संविधान अपनाया गया सी उस दिन नूं किस रूप दे विच मनाया जाता है? हाँ जी हुण इत्थे गल हो रही है 26 नवंबर दी, जदों संविधान नूं अपनाया गया सी उस दिन नूं असीं संविधान दिवस दे रूप विच मनाउने आ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान नूं लागू करन लई 26 जनवरी का दिन चुनण दा की कारण सी? हाँ जी संविधान नूं जदों लागू किया गया सी 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुनिया गया, इस दे लई असीं पहलां पढ़ लैंदे आं की लिखिया वा। 1930 विच अज दे दिन कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी का ऐलान किया सी। हाँ जी सेम यही है, ठीक आ, क्योंकि 1930 दे विच नैशनल कांग्रेस के प्रधान सी पंडित जवाहर लाल नहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मंग की सी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस समय जदों भारत का गणतंत्र लागू होया भारत के राष्ट्रपति कौन सी? हाँ जी भारत का जदों गणतंत्र लागू किया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति बनाए गए सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय झंडा किसने तैयार किया सी? हाँ जी भारत का जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा वा तिरंगा ये किन्ना ने तैयार किया सी? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसनों मन्या जाता है? हाँ जी भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नूं मन्या जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे विच चरखे की बजाई चक्कर जां आपां कह सकते चक्कर कदों होंद विच आया? चरखे की बजाई हुण चक्कर ऐड किया गया है ना, तो वह कदों होंद दे विच आया सी? तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की है? हाँ जी अपना जिमें कि तुहानूं पता भारत का राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा तो यह है 3:2, लंबाई 3, लंबाई तुहानूं पता हमेशा ही ज़्यादा होंदी है, लंबाई 3 आ ते चौड़ाई है इहदी जिहड़ी ओह 2 आ। ठीक है, जेकर वैसे तो यह रट्टे वाली गल होगी कि लंबाई ज़्यादा वा तो चौड़ाई घट आ। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पर जेकर तुहानूं पूछ लिया जाए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई पहला आ गई ना तो फिर 2:3 लिखोगे, इस गल का ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे ते गोल चक्कर नूं की कहा जाता है? हाँ जी राष्ट्रीय झंडे ते गोल चक्कर नूं असीं धर्म चक्कर भी बोल दें, अशोक चक्कर भी बोल दें। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे ते चक्कर कित्थों लिया गया है? हाँ जी भारत के जिहड़ा राष्ट्रीय झंडे ते चक्कर बनाया होया है वह कित्थों लिया गया? सारनाथ अशोक स्तंभ तो लिया गया है,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सारनाथ स्तूप स्तंभ। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस धारा तहत झंडा लहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिता है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19A के तहत झंडा लहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे का नाम की है? हाँ जी, भारत के राष्ट्रीय झंडे का नाम आ तिरंगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि एक झंडा ना सिर्फ साड़ी आज़ादी का सगों सारे लोगों की आज़ादी का प्रतीक है? हाँ जी, एक झंडा ना सिर्फ साड़ी आज़ादी का सगों सारे लोगों की आज़ादी का प्रतीक है, यह कथन के है जवाहर लाल नेहरू का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन का लेखक कौन है? हाँ जी, भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन का लेखक आ रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जन गण मन गाउण दे विच 52 सैकेंड का समा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे विच तीन रंग भारत के राष्ट्रीय झंडे विच तीन रंगां दीआं पट्टियां केड़ियां हन? हाँ जी, भारत के राष्ट्रीय झंडे दे विच जिवें कि तुहानू पता है तीन पट्टियां है, पहली पट्टी ऑरेंज कलर दी आ, दूजी सफेद आ, तीजी लास्ट वाली हरी आ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सिविल ना फरमानी अंदोलन कदों शुरू किया सी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1930 दे विच। अगला प्रश्न, भारत छड्डो अंदोलन किसने शुरू किया? हाँ जी, भारत छड्डो अंदोलन 1930 महात्मा गांधी ने शुरू किया सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत बंदे मातरम का लेखक कौन है? हाँ जी, भारत का राष्ट्रीय गीत आ बंदे मातरम, इसके लेखक आ बैकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कई जगह पर थोनू चटोपा त्याई लिखा मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तुसी मैनू खून दिओ मैं तुहानू आज़ादी देंगा, ये नारा किसने दिता सी? हाँ जी, जी कथन किसदा है कि तुसी मैनू खून दिओ मैं तुहानू आज़ादी देंगा? सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिता? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिता भगत सिंह ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बंदे मातरम का नारा किसने दिता सी? सुभाष बैकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिमें कि मैं तुहानू दस्सिया सी बैकिम चंद्र चटर्जी का नाम तुहानू चटोपा त्याई भी लिखिया मिल सकता। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी आ, ते वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ जिन्ना हो सके वीडियो का लिंक वध तों वध शेयर कर देना, ते वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।